बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ अवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इज्जत और जिल्लत अगर पैसे से खरीदी जाती तो सबसे पहले जहांगीर तरीन ने ही खरीद लेनी थी, मगर अल्लाह जिसे जलील करना चाहे तो दुनिया में ही जलील करके रख देता है। बिल्कुल वैसा ही जहांगीर खान तरीन के साथ भी हुआ है। कभी कभी बड़े बोल इंसान की रही सही इज्जत का भी जनाजा निकलवा देते हैं। इमरान खान की सियासत खत्म करने वाला जहांगीर तरीन इलेक्शन में इबरत का निशान बनने के बाद सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर गया है। ये वो ही जहांगीर तरीन है जो PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन से पहले पुलिस के जरिए तशद्दद का निशाना बनवा रहा था और जबरदस्ती उनको अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोक रहा था। इलेक्शन में बदतरीन धांधली करने के बावजूद भी अपना मुंह काला करवा बैठा है। आज एक ट्वीट में उसने सियासत से मुकम्मल किनारा कशी करने का ऐलान कर दिया है। ये इमरान खान की सियासत खत्म करने चला था खुद माजी का किस्सा बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही नुशहरा के काकरोच परवेज खटक के साथ भी हुआ है। वो भी इमरान खान की सियासत खत्म करते करते अपने सारे खानदान की सियासत का जनाजा निकलवा बैठा है। अल्लाह अल हक है। ये सब तकब्बर और गुरूर में भरे हुए लोग इबरत का निशान बन गए हैं। इलेक्शन में अपने मुखालिफ उम्मीदवारों के ऊपर जुल्म करने वाले आज खुद ही जिल्लत का निशान बन गए हैं और इमरान खान को अल्लाह ने इलेक्शन में मजीद कामयाबियां देकर उसका कद मजीद बढ़ा दिया है। आहिस्ता आहिस्ता सब वक्त के फिरौन इबरत का निशान बनते जाएंगे। जहांगीर तरीन और परवेज खटक वो लोग थे जो बड़े तकब्बर के साथ कहते थे पिछली हुकूमत में इमरान खान इन लोगों की वजह से वजीर आजम बना था। अल्लाह की करनी देखो, ये दोनों एक सीट तक नहीं जीत सके। जो अलीम खान सीट जीता है वो भी दो नंबरी करके जीता है। सारा पाकिस्तान जानता है उसने कैसे पैसे देकर वोट खरीदे हैं। इमरान खान को अल्लाह ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और जो वक्त के फिरौन बने फिरते थे उनकी आज पाकिस्तानी कौम की नजरों में एक टके की भी इज्जत नहीं रही। अभी भी जो अपने आप को जमीनी खुदा समझ कर बैठे हुए हैं वो भी बहुत जल्द अपने किए का हिसाब दुनिया में ही देते नजर आएंगे। इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। एक वोट की ताकत से पाकिस्तानी कौम ने इन सब का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। जिस इमरान खान के बारे में ये लोग कहते थे उसे सियासत नहीं आती, उसने इन सब सियासतदानों को उठाकर गंदगी के ढेर में फेंक दिया है। PTI का इंतखाबी निशान खत्म करवाने वाले अकबर एस बाबर का कोई नामो निशान तक नहीं। ना उसने कोई इलेक्शन लड़ा है, ना उसका कोई अता पता है। हमारी अदालतों का अंदाजा करो, एक फजूल इंसान के कहने पर PTI का इंतखाबी निशान ही खत्म कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के सफारशी लोगों ने PTI के लोगों को इतने घटिया इंतखाबी निशान देकर भी अपना मुंह काला करवा लिया है। पाकिस्तानियों ने ये जाने बगैर इंतखाबी निशान किया है, इमरान खान के नाम पर वोट दिया है। आज इमरान खान सारी दुनिया में सुर्खरू हो चुका है और पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। और जिन लोगों ने पाकिस्तानियों के वोट के हक पर डाका मारा है वो हर जगह जलील और खवार हो रहे हैं। इस वक्त हर जगह इमरान खान का नाम गूंज रहा है। उसके तमाम मुखालफीन हर जगह जलील हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शन चोरी करने वालों ने हुकूमत बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और अपनी अपनी बारियां लगाने के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। PTI के अलावा तमाम सियासी पार्टियां गंदगी के ढेर पर खड़ी हैं। इमरान खान की सिर्फ 26 साल की सियासत ने तमाम सियासी जुगाड़ियों की सियासत दफन कर दी है। ये ही वो लोग थे जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, उसने साबित कर दिया है उससे बड़ा कोई सियासी लीडर नहीं। जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने उसको वोट डाला है सारी दुनिया देखकर हैरान रह गई है। ना उसने कोई जलसा किया है, ना उसके पास कोई इंतखाबी निशान था। जेल के अंदर बैठकर उसने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की मिट्टी पलीद कर दी है। सिंध में पीपल पार्टी जिस तरह से इलेक्शन जीती है सारा पाकिस्तान जानता है। तारीख की सबसे बड़ी धांधली करके पीपल पार्टी के लोगों को जितवाया गया है। अगर हमारे मुल्क की अदालतें ठीक तरह से इंसाफ करने लग जाएं तो पीपल पार्टी की सिंध में सारी असलियत खोलकर सामने आ जाए। भुट्टो का चूरन बेचने वालों ने सिंध के लोगों के बुनियादी हकूक तक छीन रखे हैं। सिंध में भी PTI के लोग बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, मगर उन सब के वोट पर डाका मारकर उनको हरवा दिया गया है। पाकिस्तान का पूरा निजाम ही चंद क्रम
کرپ لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ اس کرپ نظام کے ساتھ لڑتے لڑتے عمران خان نے 26 سال گزار دیے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکا مگر اس نظام کو ننگا ضرور کر گیا ہے۔ آج پاکستان کا بچہ بچہ اس نظام سے تنگ آ چکا ہے، جہاں چند چور اور اچکے اپنی مرضی سے 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس کھوکھلے نظام سے تنگ آ کر پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس گھٹیا نظام سے پاکستانی قوم کو آزادی ملنے والی ہے۔ جس طرح ان کرپ لوگوں نے پچھلے 2 سال سے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ سلوک کیا ہے، بہت جلد یہ لوگ عبرت کا نشان بننے والے ہیں۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ بھی جاتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔